क्या राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं? आगे क्या कदम उठाए जाएंगे कांग्रेस की ओर से, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। और सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, राहुल गांधी की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब अहम यह है कि आगे क्या रणनीति बनाई जाती है कांग्रेस की ओर से। जी देखिए, बहुत तगड़ा झटका लगा राहुल गांधी को और साथ ही कांग्रेस के नेताओं को, उनके समर्थकों को, जो देश और प्रदेश में दुआएं कर रहे थे कि राहुल गांधी को राहत मिल जाए गुजरात हाईकोर्ट से, लेकिन राहत नहीं मिली है। अब उनके पास विकल्प है आगे जाने का, और इसे लेकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, ये बात करते हैं रूबी खान से, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री के तौर पर थी। कितना बड़ा झटका आप लोगों के लिए, क्या उम्मीदें थी आप लोगों को कुछ राहत की थी? देखिए, बिल्कुल माननीय हाईकोर्ट से हमें राहत की बहुत उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद अभी भी टूटी नहीं है। आगे भी रास्ते खुले हुए हैं और न्याय अपना पूरा रास्ता लेगा राहुल जी, क्योंकि सत्य के सिपाही हैं। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ाई अभी जारी है, और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, मुझे ही नहीं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, राहुल के हर सिपाही को ये भरोसा है कि सत्य अवश्यम विजय होगा। लेकिन बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हाईकोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी। राहुल गांधी से भी आप लोग करीब से मिले हैं, कई बार उनको आपने करीब से देखा, भारत यात्रा में आपने 3-4 महीनों के साथ गुजारे। किस तरह से आपने महसूस किया, जब मुश्किलें आती है तो राहुल गांधी उनसे किस तरह से पार पाते हैं? क्या आपको लगता है इस माहौल से भी वो जल्द निकल जाएंगे, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी उनको? राहुल गांधी वो शख्स है, वो एक आंधी है, वो हवा नहीं है, आंधी है। उसका नाम राहुल गांधी है, और जब मुश्किलें आती हैं तो वो और मजबूत हो जाते हैं। मुश्किलें वो आग हैं जो राहुल गांधी जैसे सोने को तपा तपा के कुंदन बना रही हैं। लड़ाई कितनी भी लंबी। और अभी हमारे साथ जुड़ रहे रफी खान, विधायक रफी खान साहब, क्या लगता है बड़ा झटका गुजरात हाईकोर्ट से, अगली रणनीति क्या? पीसीसी में आप तमाम नेता आए हुए हैं, क्या सोच रहे हैं आगे, करने क्या जा रहे हैं आप लोग? देखिए, जब भी कहीं न्याय की उम्मीद हो और न्याय न हो, तो कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए न्याय के लिए खुले हैं। न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बल्कि पूरे देश में निराशा का माहौल है। पूरा देश इस फैसले को देख रहा था, पूरे हिंदुस्तान की आवाम इस बात को देख रही थी कि न्याय होगा, न्याय नहीं हुआ। लेकिन हम निराशावादी नहीं है, न्याय के लिए आगे लड़ेंगे, न्याय लेंगे, न्याय हमारा हक है। आज जिस तरीके से देश में संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर गलती की थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको, या जल्दबाजी में बोल गए? मैं जवाब दे रहा हूँ और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अभी 4 दिन पहले हंगामा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, जिन नेताओं को बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही थी, जिनके ऊपर ईडी के छापे थे, जिनके ऊपर इनकम टैक्स के केसेस थे और 10 तरह की बातें थी, आज वो दूध के दूल्हे बनके भारतीय जनता पार्टी के साथ डिप्टी सीएम बन रहे हैं। सारा देश देख रहा है, मीडिया देख रही है, और अफसोस तो ये है कि आवाम तो इस बात का जवाब देगा, 2023 के चुनाव में भी देगा और लोकसभा चुनाव में भी देगा, लेकिन मीडिया चुप है। मीडिया को चुप नहीं रहना चाहिए, मीडिया को सवाल उठाना चाहिए, मीडिया को सवाल उठाना चाहिए कि आज क्या चमत्कार हो गया कि ये आदमी उसका डिप्टी सीएम बन रहा है। जनता की अदालत में जाएंगे, आपको लगता है कि वहां से मीडिया को आवाज उठानी चाहिए? आपके आवाज भी तो उठा रहे हैं ना, मेरी आवाज उठा रहे हो आप? इस बात को पर्सनलाइज मत हो, बुरा मत मानो, बुरा मत हो, बुरा मत मानो, जनरल मीडिया की बात है, पर्सनलाइज होने की जरूरत नहीं है इसमें। ये आज जिस तरह का माहौल है पूरे देश के अंदर, वो अगर कहीं भी अन्याय होता है, कांग्रेस पार्टी हर आदमी के साथ खड़ी है। आज खाली कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का नेता नहीं देख रहा है, पूरे देश की जनता और पूरे देश के राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आपको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप पीसीसी में जमा होइए और कुछ देखते रहिए हालात क्या बनते हैं, अब क्या विकल्प है आप लोग, रणनीति क्या बनाएंगे आप आगे? बिल्कुल, रणनीति भी होगी और न्याय की उम्मीद भी होगी, और जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो जरूर होगी। सारे नेता यहाँ आ चुके हैं,
और डोटासरा जी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आने का इंतजार है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। पूरा देश इस बात के लिए चिंतित है कि अगर इस तरीके से डिसीजन आएंगे, इस तरीके से फैसले आएंगे, तो आगे देश में कोई आदमी अपनी आवाज उठा नहीं सकेगा। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आप जब किसी वॉइस को दबाना शुरू कर देते हो तो फ्रीडम, वॉइस की फ्रीडम खत्म हो जाती है। आम आदमी बोलने से डरता है। जब देश के किसी देश के हमारे सबसे बड़े नेता पे आप सवालिया निशान उठा सकते हो, तो आम आदमी कैसे बोले, कैसे उसको फ्रीडम मिले। नजर थी पूरे देश और दुनिया में जो लोग लोकशाही में मानने वाले हैं, जो लोग संविधान में मानने वाले हैं, जो लोग लोगों की आजादी में मानने वाले हैं, ऐसे सभी लोग चाहते थे कि न्यायपालिका में न्याय हो। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है उसमें किसका हाथ है, उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। देश के किसानों की बात हुई, काले कानून के खिलाफ लड़ाई की बात हुई, देश पे महिलाओं पे तो अत्याचार बलात्कार हो रहे थे उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला, पूरे देश के युवाओं के रोजगार की बात की, पूरी देश की जो सरहद है चीन पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया जा रहा है उस पे बात हुई। तो इन सभी बातों से ये तानाशाह को लगा कि राहुल जी संसद में रहेंगे, राहुल जी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उनके जो जुमलों वाली सरकार है उसकी पोल खुल जाएगी, उनके और अदानी के जो रिश्ते हैं उसकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए राहुल जी की आवाज दबाने का प्रयास हुआ। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मानहानि के केस दायर किए गए और जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि हर तरह के प्रावधान होने के बावजूद, हर तरह के पुराने जजमेंट होने के बावजूद एक के बाद एक जजमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे पूरे देश में लोकशाही खत्म करके तानाशाह का शासन आएगा। लेकिन को तैयार हूँ, मैंने जो कहा राजनीतिक तौर पर मैंने जो बयान दिए वो मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उसके बाद ही फिर मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि आप अपने बयान जिस तरीके से हैं वो जनता के बीच में बोलते हैं। नहीं रोक सकता, आप पार्लियामेंट से निकालो, मेरे घर खाली करवाओ, मुझे जेल में डालो, लेकिन देश के लोगों की आवाज बनने का काम राहुल जी करेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी। हमें अब भी कानून पे विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आगे जो भी पार्टी स्टैंड लेगी उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। जो निर्णय कांग्रेस का कार्यकर्ता लेता है वैसे दूसरी किसी पार्टी का निर्णय सब राहुल जी के साथ है। तो फैसले के बाद में निराशा का माहौल है लेकिन ना उम्मीद ही नहीं है। और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यही कह रहे हैं कि हम लोग